हाय दोस्तों, आपका आईजी टेक में स्वागत है। इस वीडियो में कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा। अगर आप उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपने कीबोर्ड में अपना फोटो लगा सकते हैं, अपने गर्लफ्रेंड या माता पिता किसी का फोटो लगा सकते हैं, और थीम भी बदलना चाहे तो थीम भी बदल सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना चाहे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, अगर फॉन्ट भी अगर चेंज करना हो तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना भी न भूलिए, जिससे कि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, मैं चलता हूं अपने फोन के होम स्क्रीन पे। दोस्तों, मैं फोन के होम स्क्रीन पर आ चुका हूं। मैं इस एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेता हूं। क्लिक कर लेने के बाद थोड़ी देर वेट कर लीजिए, आप इसे ओपन होने दीजिए। ओपन हो जाने पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिख रहा है स्टार्ट, स्टार्ट पर क्लिक कर लीजिए। स्टार्ट पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे दिख रहा है अलाउ फैंसी कीबोर्ड दिख रहा है, इसको अलाउ पर क्लिक कर लीजिए। अलाउ पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे दिख रहा है इमोजी कीबोर्ड, इमोजी कीबोर्ड फैंसी स्टाइलिश कीबोर्ड दिख रहा है, इसको अनेबल कर लीजिए। अनेबल कर लेने के बाद ओके कर लीजिए, ओके कर लीजिए। ओके कर लेने के बाद यहाँ से बैक हो लीजिए। आप यहाँ आप देख सकते हैं आपको थीम मिल जाता है, जो बहुत अट्रैक्टिव जो मस्त तरीके का थीम मिल जाता है। जो थीम चाहिए वो थीम लगा लीजिए यहाँ से, जिससे इससे मस्त तरीके का थीम मिल जाता है। अगर यहाँ बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड लगा लीजिए, जो बैकग्राउंड आपको पसंद हो बैकग्राउंड लगा लीजिए। देख सकते हैं यहाँ जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता हो यहाँ बैकग्राउंड चूज कर लीजिए। ठीक, इन एनिमल्स मिल जाता है यहाँ पे, देखो स्कल्स मिल जाता है, पिंक मिल जाता है, यहाँ पे बहुत सारे मिल जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इमेज मिल जाता है, जो कि बहुत मस्त, जिसका लुक बहुत बेहतरीन लगता है। यहाँ फॉन्ट भी अगर बदलना है तो फॉन्ट भी बदल सकते हैं। देख सकते हैं इस तरीके का आपको फॉन्ट बदलना तो बदल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ क्लिक कर लेंगे, जो भी आपको बटन लगाना है यहाँ से लगा लीजिए। देख सकते हैं अब मैं जैसे अपना फोटो लगा के दिखा तो यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। सिंपल क्लिक कर लेने का चूज फ्रॉम गैलरी दिख रहा है, इसको क्लिक कर लूँगा। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, गैलरी फोटोज फाइल मैनेजर, यहाँ से आप एक पिक्चर लेना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कर लेता हूँ सिंपल। क्लिक कर लेने के बाद आप यहाँ से अपना एक फोटो ले लीजिए, जो फोटो लेना हो एक फोटो ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए फोटो लेना है, एक फोटो ले लेता हूँ। यहाँ कर लेने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देने के बाद फोटो आपके में बैकग्राउंड में लग जाएगा, जो कि इसको अगर और भी अच्छा चाहते तो और अच्छा कर दीजिए, ब्लर कर दीजिए, जैसा चाहिए वैसा यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, कर लेने के बाद आप यस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है स्विच, दिख रहा है स्विच पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक कर देने के बाद यहाँ जी बोर्ड से कन्वर्ट करके इसे फैंसी स्टाइलिश कीबोर्ड में कर दीजिए। यहाँ कर देने के बाद यहाँ पे चीज़ अप्लाई हो चुका है। आप चलिए मैं यहाँ से बैक होकर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से बैक हो लीजिए। यहाँ देखिए जैसे मैं व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ, व्हाट्सअप को ओपन कर लेने को जैसे मान लीजिए इन्हीं पर क्लिक कर लेता हूँ, इन्हीं क्लिक कर लेंगे। आप क्लिक करके देख सकते हैं आपका एक कीबोर्ड में आपको फोटो लग चुका है, जो कि बहुत स्टाइलिश, जो कि बहुत मस्त, बहुत अट्रैक्टिव तरीके का लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। अगर प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।